उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला के करारी थाना क्षेत्र के अवाना गांव में शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बीमार बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रशासन इससे संदिग्ध मौत मानकर चल रही है। होली का पर्व होने के चलते गांव के कोटेदार इंद्रवीर यादव ने घर पर खाने पीने का प्रोग्राम रखा था। शाम को सभी लोग कोटेदार के यहाँ से खाने पीने के बाद अपने घर चले गए। बताया जा रहा है कि घर जाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। ग्रामीणों ने आनन फानन में बीमार हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराने ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं सभी बीमार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान वीर भवन नाम के अधेड़ की मौत हो गई। जहरीली शराब से मौत की सूचना मिलते ही पूरा प्रशासनिक अमला अवाना गांव पहुंच गया। मीडिया के सवाल करने पर जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि सभी लोगों की बीमारी के कारण मौत हुई है, शराब पीने से नहीं हुई मौत, और गोलमाल जवाब दिया। और जबकि भग्गू के पिता का कहना है कि गांव के तरफ गया था और शराब पीकर आया था, रात में तबीयत बिगड़ने लगी तो गांव के एक झोला छाप डॉक्टर को दिखा तो डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए कहा और फिर एम्बुलेंस को बुलाकर अस्पताल लाया गया, जहां बेटे की मौत हो गई। प्रशासन पूरे मामले को संदिग्ध मानती है। पेशे कौशाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। क्या है मामला? बीमार आए हैं 2-3? नहीं, यहाँ एक तो बीमार आए हैं, उनका हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर दिया है और उनके पेट का जो लिवास था, पानी था, उसको कलेक्ट करके उसका टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाए। और दूसरा एक डेथ हो गई है, जिसके लिए पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद उसका पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। सर, कौन सी ऐसी गंभीर बीमारी आ गई? गांव में 7-8 लोग बीमार भी हैं, 3 लोगों की मौत हो गई। हाँ, तो उसके लिए हम लोग टीम की व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ जा रही है और जो भी गाँव में इस प्रकार से पीड़ित हैं सबकी देखभाल और उनका इलाज किया जाए। दारू जी से संभावना तो नहीं? अब होली का मौसम था तो क्या पूरा मामला, इसमें कार्रवाई की? अभी हम और कप्तान साहब अभी मौके पे ही हैं, इसी गांव में और इसी घर में एक जो मृतक बताया जा रहा है जहरीली शराब से मरने का, वो पूर्णतया गलत है। अभी हमारे उनसे परिवार वालों से बात हुई है। वो सुखलाल नाम था ना उनका, धीरज यादव, वो शराब पीते ही नहीं थे और उनके भाई ने बताया कि बम्बई में काम करते थे और उनको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम थी, तो 1.5 साल से उन्होंने गांव में ही रखा था उनको, और कल अचानक से उनका ब्लड प्रेशर 220 क्रॉस कर गया और अचानक तबीयत बिगड़ी और वो ले जाते समय रास्ते में उनकी डेथ हो गई। तो शराब पीने का तो कोई मामला ही नहीं है यहाँ पे। दूसरा एक मामला आया हुआ है वीर भवन, वो जो जिला अस्पताल में ब्रॉड डेड केस था, उनमें ये आशंका जाहिर की जा रही है कि उन्होंने कुछ खाया पिया था और कुछ पिया था। डॉक्टर से मेरी बात हुई, जो एक्सपर्ट हैं उनका पोस्टमार्टम वगैरह करने जा रहे हैं, वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है। एक जो बीमार है उसका इलाज चल रहा है, पूरी तरह से स्टेबल है, उसने शराब पिया है लेकिन कहीं से भी उसके स्वास्थ्य पे कोई ऐसा वो नहीं है, जो हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये जहरीली शराब का तो कोई मामला प्रथम दृष्टया नहीं है, बाकी और क्या है इसकी पूरी जांच हम लोग करा रहे हैं और जैसा भी होगा हम लोग कार्रवाई। जो मृतक है उसके घर वाले का आरोप है कि गैलन पे शराब लाई गई थी, उसके बाद पीने के बाद ही उसकी हालत खराब हुई है, तो उसकी क्या करना? गैलन पे शराब लाई, डिब्बे पे शराब लाई गई थी। ये देखिए, ये एक तो जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन्होंने तो शराब का सेवन किया ही है लेकिन वो पूर्णतया स्वस्थ हैं। अगर जहरीली शराब वो पिए होते तो स्वस्थ नहीं रहते, उनकी भी मृत्यु हो गई होती। जो दूसरा मृतक वीर भवन बताया गया है, वो डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग का, लेकिन ये पोस्टमार्टम होने वाला है, पोस्टमार्टम हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे उनकी डेथ हुई है, तभी हम बता पाएंगे। लेकिन ये जो जहरीली शराब से मृत्यु का चल रहा है ये न्यूज़, ये पूर्णतया गलत है और जिस कारण से मृत्यु हुई है ये आप ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब पता नहीं कहाँ पी सी कहाँ नहीं पी, 6 बजे शाम के आओ तो गाफिल रहा कि कल सारा दिन कतो नहीं जा, शाम की दवाई चालू है और आज जो है सवेरे एम्बुलेंस मंगाए के तो फिर मनिहन को ले जाओ। आपके गांव का कोटेदार है जो, वो न्योता दिया था क्या? हम नहीं पता साहब ये कहाँ घूमेगा है और कहाँ पी सी, तो मान भाई जा थे तो सगलो पिए थे अपन, जो मौतें हुई है गांव में सब दारू से हुई है। अपना नाम बता दी। बिंदेश्वरी। कैसे ये सब बीमार हो गए? दारू। किसने पिए दारू? ये सब दारू पिए थे? सब दारू। कैठो लोग मरे हैं? 3।
और कई तो बीमार हैं? 8-9। आपका नाम क्या है? राष्ट्रपति।